दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस्तर में 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अति संवेदनशील दंतेवाड़ा में 59 मतदान केंद्रों को अन्यंत्र जगह शिफ्ट किया जाएगा। जिला प्रशासन ने नक्सल क्षेत्र होने के चलते चुनाव आयोग को पोलिंग बूथ शिफ्ट करने का सुझाव भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब दंतेवाड़ा विधानसभा के 273 मतदान केंद्रों में से 59 केंद्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दंतेवाड़ा में 175 अति संवेदनशील, 80 संवेदनशील और 21 सामान मतदान केंद्र है। इस बार 67 केंद्रों को ब्रॉडकास्ट से जोड़ा गया है, जहां 3G और 4G सेवा प्रदान की जाएगी। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को देखते हुए शस्त्रधारियों से हथियार जमा करा लिए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को छूट दी गई है। बूथ रिलोकेशन को लेकर फाइनल डिसीजन कल आ गया है। 59 बूथ को दंतेवाड़ा में शिफ्ट किया गया है। ज्यादातर बूथ हमारे सड़क के पास है, तो लगातार डी माइनिंग की कार्रवाई की जा रही है। नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा रोड को सिक्योर किया जा रहा है। जो 8 BSF की कंपनी और 2 छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस की कंपनी आई है, उनको डीप लोकेशंस पे थानों के साथ उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। माइन्यूट प्लानिंग की जा रही है किस बूथ में कौन सी फोर्स जाएगी, किस संख्या में जाएगी, कैसे बूथ तक पहुंचेगी और कैसे उनको स्वच्छतापूर्वक बूथ से वापस लाया जाएगा। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड पर नज़र रखने के लिए। लगातार आपूर्ति तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि पुलिस पार्टी और पोलिंग पार्टी दोनों सुरक्षित मतदान करा के हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा वापस आ। सर, बीते विधानसभा की अगर बात किया जाए, सर नीलावाया क्षेत्र में एक पत्रकार से 3 जवान शहीद हुए थे, उन क्षेत्रों में वोटिंग की क्या खास तैयारी है? इस बार क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र के बूथ शिफ्ट हो गए हैं, तो नीलावाया का बूथ जो है वो अरनपुर में शिफ्ट हो गया है। अरनपुर, मरंडा, पालना और समेली सभी मेन रोड पे है। वहाँ पे 5 से 6 कंपनी CRPF की लगाई गई है। एक एक DRG कंपोनेंट दिया गया है, जहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, तो निश्चित रूप से उस इलाके के जो भी मतदाता बूथ में आके मतदान करना चाहेंगे वो सुरक्षापूर्वक मतदान कर पाएंगे। हमारे द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को 59 मतदान केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग का प्रस्ताव भेजा गया था, वह प्रस्ताव कल ही हमें अनुमोदन होकर मिल गया है। तो जिन मतदान केंद्रों को शिफ्टिंग किया गया है, वहाँ पर के मतदाताओं को अधिक से अधिक आए, इस प्रकार से प्रचार प्रसार भी करेंगे और स्थानीय स्तर पर भी प्रयास करेंगे कि उनको आने में सहूलियत हो। सर, इंद्रावती नदी हमेशा एक रुड़ा रहा है, हमेशा चुनाव के समय नदी उस समय नाव से पार किया जाता था, इस बार किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी और जो विकलांग है वो विकलांग महिलाएं जो रहेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? नदी के पार जो मतदान केंद्र शिफ्ट हुआ है, एक छिंदनार में हुआ है, दूसरा मूचनार है। तो छिंदनार के पास तो अभी नया पुल बन रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी मुरुम का सड़क नदी में बना दिया गया है, वहाँ लोगों का आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मूचनार के पास भी है, वहाँ पर भी पानी अभी बहुत कम है, तो उसको लोग आराम से पार कर सकते हैं। और रही बात दिव्यांग मतदाताओं की, तो प्रत्येक मतदान केंद्र में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, वैसे लोगों को व्हील चेयर के माध्यम से मतदान केंद्र तक लाया जाएगा।